Alhamdulillah. The next high yield point of embryology is related to the development of urogenital organs. और इसमें जो सबसे important point है वो starting से हम शुरू कर रहे हैं वो ये है कि intermediate mesoderm इन सारी चीज़ों को बनाएगी. इसके लिए three major primordium या primordial cells या primordial structures available होते हैं. उनको हम इस तरह से name करते हैं कि नेफ्रोस उनके एंड पर आता है और बाकी जो उसका नेम का पार्ट है वो रेलिवेंट होता है स्ट्रक्चर वाइज. तो यहाँ पे बड़ी प्यारी इलस्ट्रेशन ऑलरेडी मौजूद है कि प्रो नेफ्रोस उस स्ट्रक्चर को कहेंगे जो सबसे ऊपर होगा. प्रो का लिटरल मीनिंग ऊपर है. मीजो नेफ्रोस उस स्ट्रक्चर को कहेंगे जो मिड में होगा. वैसे इसका लिटरल मीनिंग मीजो का मिडल भी होता है. और मेटा नेफ्रोस बियॉन्ड को कहते हैं या लेटर को बोलते हैं मेटा. और इस ये चूंकि लास्ट पे है तो इस वजह से मेटानेफ्रोस कहलाएगा. सो हम इसको देख लेते हैं किस तरह से ये आगे जाएंगे. तो इस लिहाज से सबसे पहले तो इसके अंदर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होंगे. प्रोनेफ्रोस मैमल्स में यानी ह्यूमंस में रूडिमेंट्री ऑर्गन बन जाता है यानी इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. लेकिन ये बर्ड्स और एनिमल बाकी एनिमल्स में कुछ इम्पोर्टेंट होता है. मीजोनेफ्रोस एड्रीनल ग्लैंड और गुनेड्स बनाएगा. यह ज़रूरी बात है क्योंकि गुनेड्स और एड्रीनल ग्लैंड की आगे हमने बहुत तफसील से बात करनी है. इसके बाद मेटानेफ्रोस किडनी बनाएगा. लेकिन इनकी आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अजीब है यानी किडनी नीचे है गुनेड्स ऊपर हैं जबकि गुनेड्स को नीचे होना चाहिए था किडनी को ऊपर होना चाहिए था. तो इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनकी डिसेंडिंग रखी है. वो एक अलग से स्ट्रक्चर है या फिनोमिनन है जिसमें इनकी रीलोकेशन होती है. तो आप देखें तो इस तरह से ये रीलोकेट होके अपनी पोजीशन पे चले जाते हैं. इस तरीके से ये सारी स्टोरी चलती है.